हेलो व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मछली का सिर खाने से क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को मछली खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में जिन व्यक्तियों को स्पेशली मछली के मुंडी या फिर उसका सिर बहुत स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी लगता है, उनको मछली की मुंडी खाने से ऐसे कौन कौन से ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, दरअसल नॉनवेज में कई तरह के प्रोटीन्स और साथ ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे मनुष्य शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दरअसल मछली या फिर मछली का सर खाने के कई सारे फ़ायदे हैं। ये सबसे बेस्ट न्यूट्रिशनल फूड में से एक मानी जाती हैं और फ्रेंड्स, इससे शरीर के कई अंगों को बेनिफिट्स पहुंचता है। जी हाँ, मछलियाँ कई खस्म यानी के टाइप्स की होती हैं, लेकिन दोस्तों खाने में सबसे बढ़िया मछली रोहू को माना जाता है। बहुत से लोग मछली के सिर को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, अब हम आपको मछली के सिर को खाने से होने वाले कुछ ऐसे फ़ायदों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए जान लेते हैं मछली के सिर को खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा है फ्रेंड्स, आँखों की रोशनी के लिए। जी हाँ, मछली के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मछली की मुंडी खाने से व्यक्तियों को आँखों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती हैं, या फिर फ्रेंड, जिन व्यक्तियों के आँखों को कम दिखता है उन्हें आज से ही मछली के मुंडी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है। दूसरा फ़ायदा है फ्रेंड्स, पथरी यानी कि किडनी स्टोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पेट में दर्द की शिकायत रहती है या फिर आपको पथरी की दिक्कत होती है और बहुत तेज़ दर्द होता है तो आपको मछली की मुंडी खाने से पेट में मौजूद पथरी में आराम मिलेगा। इसीलिए जिन लोगों को पथरी की दिक्कत होती है उन्हें आज से ही मछली की मुंडी खाना स्टार्ट करना चाहिए, इससे पथरी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसका नेक्स्ट वाला फ़ायदा है घुटनों में दर्द के लिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद अक्सर नीस में पेन होने लगता है यानी कि पैरों के घुटने में दर्द बना रहता है। और तो और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को बहुत कम उम्र में ही नीस में पेन यानी कि फ्रेंड्स जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने खाने में मछली को शामिल करना चाहिए, खास करके उसके मुंडी को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से मछली आपके शरीर में मौजूद दर्द में आराम पहुंचाने का बहुत ही बढ़िया काम करती हैं और साथ ही आपको घुटनों में होने वाले दर्द यानी कि नीस पेन में राहत दिलाती हैं। आपके दिमाग को करता है तेज़। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मछली का पूरा शरीर ही खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी एंड हेल्दी होता है, लेकिन अगर बात उसके सिर या फिर उसके मुंडे की करें तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मछली की मुंडी खाने से हमारे दिमाग को विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जिनसे दिमाग की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती हैं। जी हाँ, यदि आपको चीज़ें भूलने की आदत है या फिर आप छोटी छोटी सी बातों को भूल जाते हैं तो आपको मछली के सर और उसके तेल का सेवन अवश्य करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मछली के सिर में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि मनुष्य की याददाश्त यानी कि मेमोरी पावर को दुगना कर देती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी मछली की मुंडी खाइए और अपने दिमाग को बनाएं तेज। इसका नेक्स्ट बड़ा फ़ायदा है फ्रेंड्स, आपके दिल की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, हार्ट पेशेंट्स के लिए पूरी की पूरी मछली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और साथ ही उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मछली में लो फैट होता है जिससे फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने नहीं पाती हैं। ऐसे में मछलियों में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी मछली और साथ ही मछली के सिर का सेवन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका मोटापा कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है मछली का मुंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, मछली और साथ ही उसके सर को खाने से शरीर के अंदर मौजूद आंतरिक फैट समाप्त होता है जिससे मोटापा भी कम होता है। मोटे लोगों को अपने वजन को कम करने के लिए लंच और साथ ही डिनर में मछली और साथ ही मछली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में है फ़ायदेमंद। जी हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में फ्रेंड्स मछली और साथ ही उसका सर यानी की पूरी मछली खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि मछली और साथ ही मछली का तेल में मौजूद न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़
ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल बनाए रखता है। इसीलिए आप भी मछली का सेवन करें और अपने ब्लड प्रेशर को बनाएं नॉर्मल। दोस्तों, त्वचा की खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है मछली का सिर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी त्वचा को खूबसूरत और सती जवां बनाना चाहते हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स आप अपने आहार में मछली और सती मछली के सर को शामिल करना ना भूलें, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव यानी कि फ्रेंड साइड इफेक्ट से बचाता है और साथ ही त्वचा को स्वस्थ बनाता है। साथ ही फ्रेंड्स, मछली के सेवन से झुर्रियां यानी कि रिंकल्स भी कम होती हैं, यानी कि अगर आपके फेस पर किसी तरह की झुर्रियां या फिर रिंकल्स है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा। इसीलिए आप भी मछली और साथ ही मछली के सर का सेवन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बालों के झड़ने की समस्या होती है दूर। जी हाँ, आज के समय में बहुत सारे लड़के और लड़कियां बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं। यदि आप भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज से ही मछली का सिर का सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों मछली और साथ ही मछली के सर में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के झड़ने या फिर हेयर फॉल को रोककर आपके बालों को बनाता है मजबूत, घने, शाइनी एंड सिल्की। इसीलिए आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में फायदेमंद है मछली। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान मछली का सेवन करना माँ और सती गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कि इससे दोनों को प्रोटीन और सती आयरन मिलता है। जी हाँ, ऐसे में एक प्रेग्नेंट महिला को एक दिन में कम से कम 27 मिलीग्राम आयरन का सेवन करना ज़रूरी होता है। इससे गर्भवती महिला को एनीमिया के खतरे से छुटकारा मिलता है। आयरन के साथ साथ गर्भवती महिला को 71 ग्राम प्रोटीन का भी सेवन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि फ्रेंड शिशु को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि गर्भवती महिला को आयरन और सती प्रोटीन का सेवन ज़रूर करना चाहिए और मछली प्रोटीन और सती आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि प्रेग्नेंट महिला और सती गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस एसिड से फ्रेंड्स बच्चे का दिल यानी कि उसका हार्ट सुरक्षित होता है और उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में आप मछली और साथ ही मछली के सर का सेवन ज़रूर कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है। तो दोस्तों, ये थे मछली और साथ ही मछली का सिर खाने से होने वाले ज़बरदस्त फ़ायदे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही इस यूज़फुल वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्योरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। टिल देन, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।